ओम साई राम। नमस्कार, मैं हूँ साई पूजा। साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। आप इंटरव्यू सुनने जा रहे हैं, बाबा का गुणगान सुनने जा रहे हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये अनुभव, ये बाबा का लीला हर घर तक पहुँचे। ओम साई राम। तो आज हमारे साथ एक भक्त जुड़ रहे हैं जिनका नाम, आप अपना नाम बताओ। ओम साई राम, मेरा नाम है अश्विनी सुरेश पाटिल। अश्विनी सुरेश पाटिल, कहाँ से आप? हम लोग मुंबई से, भिवंडी। भिवंडी मुंबई से आप इस वक्त बैठी हैं शिरडी में। बाबा से कितने वर्ष हो गए जुड़े हुए आपको बेटा? बचपन से। कैसे कैसे बाबा के लिए इतनी साधना? हमारे यहाँ से पालकी आती थी पदयात्रा में, तो हमारे पापा चल के आते थे, तो लास्ट में हम लोग बुधवार के दिन आते थे। दो दिन रहते थे यहाँ पे, बुधवार गुरुवार, छोटे थे तभी, फिर भी आते थे हम लोग। तो बाबा, जब आप इतनी छोटी से, आज आपकी शादी भी हो गई है माशाल्लाह, आपका एक बच्चा भी है, तो इन बचपन से लेके जो आज की जर्नी है वो आप जो हमारे साईं पूजा परिवार मेंबर्स हैं, जो साईं भक्त हैं, उनको बताएं। बहुत अच्छी रही है, लेकिन मैं हमारे घर पे बहुत सारे भगवान को मानते हैं, लेकिन मेरे मन में खाली बाबा का दर्जा सबसे ऊपर है। कोई लीला ऐसी बताएं कि जो लोग, बाबा ने आपको जो प्यार दिया है वो लीला? पहले से हम लोग मानते थे, यहाँ पे बचपन से आते थे उसलिए, लेकिन उतना कनेक्शन नहीं था हमारे बीच में, बाबा के और हमारे बीच में उतना कनेक्शन नहीं था। जब भी हमारी शादी हुई, तभी मैं 2 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव कर रही थी, तभी मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर 3-4 महीने गए, फिर प्रेगनेंसी कंसीव हुई, लेकिन वो भी बच्चा मतलब नहीं रहा। तो 3 महीने में मतलब वो बढ़ नहीं रहा था ना, तो हम लोग सफाई कर लिए। फिर हम लोग बाबा से शिरडी आए मिलने के लिए, तो मैं बाबा को बोली कि 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे खाली एक बच्चा दे दो। वो लड़की रहे या लड़का रहे, मुझे खाली एक बच्चा दे दो। फिर उसके बाद अगले महीने में ही मेरी प्रेगनेंसी रुक गई। मैं प्रेगनेंसी का, अभी कितने साल का बेटा है आपका? अभी 2.5 साल का हो गया है। 2.5 साल का हो गया। कभी जीवन में उतार चढ़ाव बचपन से लेके अब तक आया जो बाबा ने संभाला हो, कुछ ऐसी घटनाएं? बहुत आए। कुछ ऐसी घटनाएं बताएं जहां बाबा ने आपको संभाला हो, कुछ याद आ रहा है? बहुत हुई है, लेकिन अभी वैसे तो 10th क्लास में थी तभी भी, एग्जाम के वक्त बहुत हार्ड मतलब स्कूल था, और जो पढ़ के जाती थी वही एग्ज़ाम में नहीं आता था, अलग ही आता था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं पास होंगी कि नहीं होंगी, पास होंगी कि नहीं होंगी। उस अभी भी मैं बाबा को बोलती थी, मेरे मन से जितना हुआ है उतना मैंने किया है, तो आप अभी देख लो, क्योंकि मुझे आगे पढ़ने का है। तो तभी भी मैं पास हो गई थी। और ये तो आपके एग्जाम की बात हुई, कभी कुछ हालात होते हैं, अप एंड डाउन्स होते हैं, कभी ऐसा कुछ आया कि बाबा ने संभाला होगी? नहीं, मेरा बच्चा, मैं साथ में हूँ। बहुत हुए हैं, लेकिन अभी वो सब खुल के बताएंगे तो थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम हो जाएंगे, इसलिए नहीं बता सकते। मतलब हर आ जाओ, हर पग पे बाबा ने संभाला है, बहुत संभाला है। और ये है मेरा बच्चा। ओके। और आपके आज जो पहले की बाबा के लिए प्रेम और आज के जो प्रेम में क्या डिफरेंस है? वो तो हमेशा बढ़ता ही चला गया है और आगे भी और बढ़ेगा, लेकिन बाबा के लिए प्रेम कभी कम नहीं होगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा की पूजा करो, बाबा को मानो, शिरडी जरूर आओ। शिरडी जरूर आओ, एक बार शिरडी आओगे तो शिरडी को कभी भूलोगे नहीं और छोड़ोगे भी नहीं। और साई पूजा चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा सपोर्ट करो चैनल को। तो इनके बच्चे नहीं थे और इनके मतलब बच्चे हो नहीं रहे थे 1.5 साल तक, मतलब हमें बहुत परेशानी हुई। 1.5 साल, 2 बार मिसकैरेज हुआ ना, उसमें बहुत हम लोग डिप्रेशन में चले गए थे। इसलिए मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि हम लोग एक बार बाबा के यहाँ पे जाते हैं। तो बाबा ऐसे ही जिनके बच्चे नहीं हैं और बाबा का आप मनन करिए, चिंतन करिए, एक बार शिरडी ज़रूर आइए। बाबा ने चाहा तो आपकी गोद ज़रूर भरेगी, जैसे इस बच्ची की बाबा ने लाज रखी है वैसे आपकी भी बाबा लाज रखेंगे और बाबा की सुनेंगे। ओम साई राम।